जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां तो इंसान को खुद काबिल बना देती है। आज के दिन की शुरुआत करी ना धोकर, अर्ली मॉर्निंग ना धोकर पहने जूते और गानों का आनंद लेते हुए मैं निकल पड़ा भोले से मिलने। उससे पहले लिए भोले के लिए हमेशा की तरह मेल पत्र, नमन किया उन्हें हाथ जोड़, आज के वर्कआउट की करी शुरुआत, लगाई दौड़। योग हमारे जीवन में ज्ञान का बीज बोता है, इसका फल होता है शांति। इसलिए मेंटली हेल्थ के लिए आप योग अवश्य करें। थोड़ी को स्ट्रेचिंग करते करते आगे सूर्यदेव को किया प्रणाम, फिर मैं चला अखाड़े की ओर। अखाड़े की दहलीज को चूमते हुए किया प्रभु को प्रणाम, उस्ताद को जय श्याराम बोलकर आया मेज पर। हमेशा की तरह बॉडी को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करके करी नेक्स की वर्कआउट, नेक की मसल को स्ट्रॉन्ग करके खींचा रस्सा खींच कर बढ़ाई हाथों की स्ट्रेच। फिर मैं आ गया जिम के अंदर, वहाँ चलाई साइकिल, लेग्स की अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग करके लेग्स को हैवी वर्कआउट के लिए किया ट्रेंड। आज लेग्स की हैवी वर्कआउट करी, कम से कम 45 किलो वजन के साथ लेग्स की वर्कआउट हुई। के बाद आया अपर बॉडी का नंबर, तो सबसे अच्छी अपर बॉडी के लिए मुझे वर्कआउट मुगद्दर लगती है। मुगद्दर लगाकर थाई रोड पर बॉडी की कंप्लीट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आज का वर्कआउट किया समाप्त। फिर किया थोड़ा रेस्ट, सुखाया पसीने को, फिर चला हाथ मुंह धोने। ये रही आज की बॉडी कंडीशन, फिर आया प्रभु के धाम। जय श्याराम।